प्रवासी आंध्रा स्कूल के नव निर्मित मुख्य द्वार का उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। इस गेट के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव ने अपने पिता के नाम से स्कूल संचालन समिति को 51,000 रुपए अनुदान दिया था। पूरे भिलाई शहर में कुल 7 प्रवासी आंध्रा पाठशाला हुआ करती थी, जिनका धीरे धीरे पतन होता गया और स्कूल बंद होते चले गए। अब एकमात्र बचे हुए स्कूल को प्रवासी आंध्रा स्कूल समिति द्वारा इसे चलाने का कार्य बखूबी किया जा रहा है। इस स्कूल की संचालन समिति का बीते दिनों चुनाव भी हुआ था और नए पदाधिकारियों ने शपथ ली थी, जिस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव जी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में 51,000 रुपए का अनुदान प्रवासी आंध्रा स्कूल समिति को देने की घोषणा की थी। उसी राशि से प्रवासी आंध्रा स्कूल का मुख्य द्वार निर्मित कराया गया है, जिसका उद्घाटन भी धर्मेंद्र यादव द्वारा शुक्रवार को किया गया। समिति के सदस्यों ने कांग्रेसी वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया और उनके द्वारा दिए गए अनुदान की राशि से गेट निर्मित होने पर उनका धन्यवाद भी किया। जैसा कि आपको पता होगा कि धर्मेंद्र यादव जी ने अपने पिताजी की स्मृति पे हमारे प्रवास आंध्रा पाठशाला समिति को आर्थिक सहयोग के रूप में 51,000 रुपये प्रदान किए थे। हमने भी जो पैसे दिए उनका सदुपयोग करते हुए इस गेट का निर्माण किया। इस क्षेत्र एवं क्षेत्रवासियों के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण थी। शिक्षा का स्तर एक ऊँचे स्तर पर ले जाने का हमारा एक प्रयास है। हमने इस कार्यक्रम की जो हमारी नई निर्वाचित समिति थी उसके द्वारा पहला काम यह हमने यही किया कि गेट का निर्माण किया और स्कूल का रंग रोगन और वहाँ की व्यवस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम ध्यान दे रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको विशेष सुविधाओं से प्राप्त एक स्कूल उनके ही क्षेत्र में मिले, क्योंकि यहाँ के बच्चे किसी भी अन्य प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। इस फीस को हम कुछ ऐसा करते हैं, मतलब उसको मॉड्यूल को चेंज करेंगे, ताकि इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं इस शिक्षा को उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ और कष्ट झेलना ना पड़े। यहाँ हम कई सारी योजनाएं बना रहे हैं, इन क्षेत्र के वासियों तक पूरे पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे। जो स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी उस स्ट्रेंथ को पूरा बढ़ा के इस क्षेत्र में एक नंबर स्कूल बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और आंध्र वासियों द्वारा जो स्थापित स्कूल है उसे पुनः जीवित करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारे जितने भी समिति के सदस्य हैं, हमारे समाज के सदस्य और समस्त क्षेत्रवासियों का सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। आज हम लोगों ने जैसे जो जब शपथ ग्रहण लिया था तो श्रीमान देवेंद्र यादव जी ने अपने पापा की स्मृति में गेट के लिए जो 50,000 रुपये दिए थे और साथ ही साथ हम लोगों ने एक नया प्रवास आंध्र पाठशाला जो किए थे इंग्लिश मीडियम के नाम पे एक नया स्कूल चला रहे हैं। इसमें क्या है, हमारा जो एरिया है ये एक स्लम एरिया है, तो हमारा समिति का एक विशेष ये सोच है कि यहाँ के जो लोगों को कम से कम मतलब एक फीस में बच्चों के हाई एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, कंप्यूटर, इंग्लिश और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जैसे शिक्षा के प्रति हम बच्चों को यहाँ के लेके जाए, ताकि बच्चे आगे जाके समाज में और देश में अपना नाम करें। और प्रवास आंध्र पाठशाला के जो हमारे जो वर्तमान कमेटी है इनका यहाँ अपने कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है, युवा वर्ग आगे आ रहे हैं और ये कंटिन्यू स्कूल के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और हम आशा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रवास आंध्र पाठशाला और भिलाई में जितने भी आंध्रावासी के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग करें। ये हमारे जो बुजुर्गों का एक धरोहर है और उनके एक सोच है, अब उस सोच को हम लोग आगे ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे भिलाई के जितने भी आंध्रावासी हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम वेल एजुकेटेड हैं, हमारा स्कूल भी आने वाले समय में वेल एजुकेटेड और एक अच्छा समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कांग्रेसी वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव एवं नगरपालिक निगम के पूर्व एल्डरमैन अरविंद राय ने आने वाले समय में एकमात्र शेष बचे प्रवासी आंध्रा स्कूल के विकास के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया। देखो, मेरे से समिति वालों ने शपथ ग्रहण में यहाँ पर बुलाया था और जब बताया कि 7 स्कूल थे और उसके बाद अब एक ही स्कूल बचा, तो मैंने उस दिन बोला स्कूल को आप लोग आगे बढ़ाओ और मैं अपने पिताजी के नाम से यहाँ पर 50,000 रुपये का सहयोग किया और स्कूल को आगे बढ़े, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि आंध्रा स्कूल भी इनके समाज का भी चल रहा है और समाज बहुत बड़े संख्या में
आंध्रा के प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं और स्कूल रहेगा तो सब अपने चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्कूल पर जो स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज जाना जा रहा है, तो हम लोग को भी इसी कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय भी और सहयोग करेंगे, जिससे यहाँ पर इनका स्कूल की शिक्षा में अच्छे तरह से कार्य हो और काम करे और भिलाई वासी हमारे और अच्छे से जो बच्चे हैं इस स्कूल के और अच्छे से शिक्षित हो, बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अरविंद राय, एल्डर में नगर निगम भिलाई। आपके चैनल के माध्यम से इस प्रवास आंध्रा पाठशाला समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से जो स्कूल बंद होने की कगार पे था वह पुनः जीवित हो रहा है। और एक आस जो लोगों के मन में थी इस समिति के आने से कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि इस समिति में अधिकतर लोग युवा वर्ग हैं और हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में इस समय में कोई भी बदलाव लाता है तो युवा ही बदलाव लाता है। जब जब हवा बहती है बदलाव की, तब तब युवा जो वर्ग होता है वही इस दुनिया में बदलाव लाया है। पूर्व में भी आपने देखा होगा और भविष्य में भी आने वाले समय में युवा वर्ग हमेशा इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए, इस स्कूल की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। मैं साला की समिति को बधाई देना चाहता हूँ, साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी समिति के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, वो यहाँ के समिति और यहाँ के लोगों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में 51,000 की राशि इस साला को प्रदान की, ताकि इस साला का विकास हो सके। साथ ही साथ उनके छोटे भाई देवेंद्र यादव जी ने से भी हम लोग सारे लोग मिले थे और मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरा बचपना गुजरा है, इस स्कूल में हम क्रिकेट खेले हैं, इस स्कूल से हमारी बहुत सारी स्मृति है। तो मैं भी आगे भविष्य में जो इस स्कूल की बेहतरी के लिए हो सकता है, ये स्कूल आंध्रा स्कूल है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में मात्र एक आंध्रा स्कूल होगा जो हमारे इस कैंप क्षेत्र में है। आंध्रा स्कूल है हमारे कैंप का एक गौरव है और इस गौरव को हम आगे भविष्य में और आगे बढ़ाएंगे और इस गौरव को जितना ख्याति पे ले जा सके उतना हम ले जाएंगे। धन्यवाद। देखना होगा कि प्रवासी आंध्रा स्कूल समिति के नए पदाधिकारियों द्वारा किस तरह का रुख अपनाया जाता है कि वे एकमात्र बचे स्कूल को बचा सकें और सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।